गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ड्रोन्स की एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, सो हियर इट इज। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले ड्रोन्स काफी सस्ते एंड फीचर लोडेड हैं। इनमें से कुछ ड्रोन्स तो आप अपनी पॉकेट मनी से भी परचेज कर सकते हो। लिंक्स रहेंगी डिस्क्रिप्शन में सारे ड्रोन्स की। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम ड्रोन नंबर 1। अब गाइस, ड्रोन सुनते ही दिमाग में आता है एक फ्लाइंग गैजेट जिसमें चारों कोनों में प्रोपेलर्स लगे होते हैं, यानी पंखे लगे होते हैं। बट ये क्या, आप सोच रहे होगी कि इसने तो ड्रोन्स बोलकर कुछ और ही दिखा दिया। वेल दोस्तों, है तो ये भी ड्रोन्स ही, बट ये नॉर्मल ड्रोन्स नहीं है। इनमें से एक जंपिंग ड्रोन है एंड दूसरा फ्लाई कर सकता है। जंपिंग ड्रोन काफी ऊंचाई तक जंप करके घर में रखी किसी भी चीज पर चढ़ सकता है, लाइक टेबल या सोफा वगैरह पर। ये एक जंप मार के ही चढ़ जाता है। एंड रोलिंग स्पाइडर की बात करें तो ये रोल भी कर लेता है ग्राउंड पर एंड छत पर उल्टा लटक कर भी चल सकता है, और हाँ, फ्लाई भी करता है। दोनों ही फीचर्स हैं इसमें। जंपिंग सुमो में कैमरा मौजूद रहता है एंड ये छोटी मोटी चीजों को ग्रैब करके उन्हें पकड़ सकता है, तो इसे आप अपने सीक्रेट मिशंस पर भेज सकते हो। एंड ये घर वालों की नजर से बचते हुए आपके लिए चॉकलेट या चिप्स का पैकेट उठा लाएगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड अगर ये दोनों ही ड्रोन्स कहीं पेयर में ले आए आप, तब तो उधम मच जाएगी। ओवरऑल दोनों ड्रोन्स आते हैं पैरट की तरफ से एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार भी हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा फन लगा मुझे कमेंट में बताओ। ये रहा एक पॉकेट ड्रोन जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें ड्रोन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इसे सीखने की शुरुआत कर सकते हैं इस तरह के मिनी ड्रोन से। एंड ये सच में इतना छोटा है कि आपकी पॉकेट में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि बहुत टाइट जींस की पॉकेट में मत रख लेना इसे, वरना चट से बोल जाएगा बेचारा। ये 3 कूल कलर्स में आपको देखने मिल जाएगा। बाकी डिजाइन वाइज तो ये ट्रेडिशनल ड्रोन की ही तरह है, 4 छोटे छोटे प्रोपेलर्स एंड बीच में इसकी बॉडी। ये डायरेक्ट आपके हाथ से टेक ऑफ कर लेगा एंड ये जल्दी आपको बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा, क्योंकि उड़ने के अलावा ये हवा में फ्लिप्स भी मार सकता है। एंड इस ड्रोन का सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि इसे आप सीधे इसके रिमोट में स्टोर करके रख सकते हो, अलग से उसके लिए कोई बैग वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा एक ऐसा ड्रोन जिसे फ्लाई करने के लिए आपके पास एक नहीं दो ऑप्शंस रहेंगे। या तो आप इसे फ्लाई कर सकते हो इसके रिमोट से, या फिर अपने फोन में इसका ऐप इंस्टॉल कर लो एंड फिर उससे फ्लाई कर सकते हो आप इसे। इसमें फ्रंट में ब्लू एंड रियर में रेड लाइट्स रहती हैं, सो दैट इसे अगर आप रात के अंधेरे में उड़ाते हो तो भी विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती। ऑल्सो एक कैमरा इसमें इनबिल्ट ही रहता है। हालांकि ये एक बजट ड्रोन है तो कैमरा क्वालिटी भी इसकी उसी हिसाब से रहती है। बैटरी इसकी इसके नीचे साइड ही लग जाती है। इसके रिमोट में एक बटन प्रेस करोगे आप एंड ये फ्लिप्स मारने लग जाएगा। इसके प्रोपेलर्स चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं ताकि अगर धोखे से ये कहीं टकरा भी जाए तो इसमें कोई नुकसान ना हो। एंड इसे लैंड कराने की बजाय आप डायरेक्ट इसे हवा में फ्लाई करते टाइम ही ग्रैब करके बंद कर सकते हो। वेल दोस्तों, आज के सारे ड्रोन्स अपने आप में कोई ना कोई खास फीचर लिए हुए हैं, और बात करें इस पर्टिकुलर ड्रोन की तो इसमें मौजूद कैमरा 4K वीडियोस के साथ 12 मेगापिक्सल की हाई क्वालिटी फोटोज भी शूट कर सकता है। बेसिकली गाइस, ये एक फोटोग्राफी ड्रोन है। इसे आप डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करते हुए अपनी एंड अपने ग्रुप की बहुत तगड़ी तगड़ी फोटोज क्लिक कर सकते हो। ये ड्रोन आपको फॉलो करते हुए आपके साथ साथ उड़ सकता है एंड ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करने का फीचर तो आप जानते ही होंगे, जिसके चलते ड्रोन अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते नहीं, उनके बगल से निकल जाते हैं। वैसे इससे शूट होने वाले वीडियोस काफी हाई क्वालिटी रहते हैं, बिल्कुल सिनेमैटिक टच के साथ। तो ड्रोन उड़ाने में अगर आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है एंड फोटोज एंड वीडियोस के पर्पस से आप एक यूनिक ड्रोन लेना चाहते हो तो हवर 2 के साथ आप श्योरली जा सकते हो। अब कभी कभी हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप इतना बड़ा होता है कि हम हाथ कितना भी दूर करके सेल्फी लें तो भी सारे लोग फ्रेम में आ नहीं पाते, और तो और कभी कभी तो सेल्फी स्टिक भी छोटी पड़ जाती है। ऐसे में परफेक्ट सेल्फी कैसे लोगे आप ए सेल्फी से? इस ड्रोन को बनाने का पर्पज ही सिर्फ एक है, टू टेक सेल्फीज। ये ऐप कंट्रोल ड्रोन है, साइज में काफी कॉम्पैक्ट रहता है। ये सेल्फी लेने के लिए जस्ट इसे अपने हाथ से लॉन्च करो, फिर इसे ऐसे फ्लाई करते हुए अपनी सेल्फी के लिए सबसे तगड़ा एंगल ढूंढो एंड मस्त मस्त सेल्फीज क्लिक करते जाओ। वैसे इससे आपके पास वीडियो बनाने का ऑप्शन भी रहेगा, बट मेन जो इसका काम है वो सेल्फी लेना ही है, उसमें ये एक्सपर्ट भी है। इसका डिजाइन एकदम फ्लैट होता है, बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की तरह, जरा भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल स्मूथली फ्लैट। वैसे कैमरा क्वालिटी की बात करें तो वो इसमें 5 मेगापिक्सल का रहता है एंड इसकी बैटरी 30 मिनट्स में फुली चार्ज हो जाती है। ये ड्रोन भी स्टार्टर्स के लिए काफी सही है अपने लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन के चलते, बेहद हल्का रहता है ये। मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा भारी इसका रिमोट ही होगा। इसमें भी प्रोपेलर्स की सेफ्टी के पर्पस से रिंग रहती है, हालांकि पिछले उस ड्रोन की तरह इसमें प्रोपेलर्स के ऊपर एंड नीचे साइड सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं रहता। बाकी गाइज, कुछ एक LED लाइट्स वगैरह इसमें भी आपको देखने मिल जाएंगे एंड ऐसा बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है कि इसे आप घर के बाहर ही फ्लाई करो, क्योंकि इसे इंडोर्स भी बहुत इजीली उड़ाया जा सकता है। एंड फ्लिप वाला फीचर तो अब इतना कॉमन हो चुका है कि इसके बारे में अलग से बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। ओवरऑल गाइस, कम बजट में अगर आप एक ठीक ठाक ड्रोन सर्च कर रहे हो तो फिर इस वाले को जरूर से ले सकते हो आप। कोई बहुत ज्यादा हाई एंड फीचर्स तो नहीं रहेंगे इसमें, लेकिन आपके पहले ड्रोन के तौर पर ये परफेक्ट रहेगा।
वैसे तो अगर किसी गैजेट में फीचर्स बहुत ज्यादा बढ़ाए जाते हैं तो उसका साइज भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। एंड सेम कॉन्सेप्ट ड्रोन्स पर भी अप्लाई होता है गाइस, बट नॉट इन द केस ऑफ दिस ऑसम ड्रोन। ऑल्दो ये साइज में काफी छोटा है, इतना छोटा कि इसे इसके कंट्रोलर में ही स्टोर कर सकते हो आप, बट फिर भी फीचर्स के मामले में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है ये। वन की टेक ऑफ, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जैसे कुछ एक बेसिक फीचर्स के साथ साथ इसमें नया फीचर भी है जो शायद ही किसी ड्रोन में आपने पहले देखा होगा, एंड वो फीचर है डुअल कैमरा का। मतलब इसमें एक की जगह दो कैमराज होती हैं, एक फ्रंट में एंड एक नीचे साइड, यानी आपको एक नहीं दो फुटेज दिखाई देंगी। एंड इन कैमराज के सामने जब आप जेस्चर्स यानी इशारे करोगे तो उन्हें समझ कर ये आपकी फोटोज को भी क्लिक कर लेगा। ओवरऑल गाइज इसके साइज को देखते हुए तो इसमें काफी धासु धासु फीचर्स भरे पड़े हैं, है ना। अब ये रहा एक ऐसा ड्रोन जिसके पीसेस एक पजल की तरह से अलग अलग रहते हैं, एंड उन्हें आपको जोड़ के इस ड्रोन को तैयार करना होगा। इस मॉड्यूलर ड्रोन के ये सारे पीसेस मैग्नेटिक रहते हैं तो इंस्टेंटली ये स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एंड कुछ ही सेकंड्स में आपका ड्रोन तैयार है। इस ड्रोन को आप इसके ऐप से फ्लाई कर सकते हो गाइस। एंड अब इसके दूसरे फीचर्स तो और भी चौंकाने वाले हैं। इसे आप अलग अलग वेज में जोड़कर काफी नए नए गैजेट्स तैयार कर सकते हो अदर देन ड्रोन, लाइक ये। इससे आप ग्राउंड पर चलने वाले व्हीकल्स के अलावा वाटर में चलने वाले व्हीकल्स भी बना सकते हो, एंड अगर धोखे से ये कहीं टकरा वकरा जाए, क्रैश कर जाए तो भी इसमें कोई डैमेज नहीं होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना आप, क्योंकि ये काफी ड्यूरेबल एंड टफ है। इसमें टोटल ऐसे 6 ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें जोड़कर ये ड्रोन तैयार होता है। तो बेसिकली गाइस जितने भी ड्रोन्स आपने अभी तक देखे होंगे वो अपने डिजाइन वगैरह में कहीं ना कहीं काफी सिमिलर थे, बट ये वाला ड्रोन उन सभी से अलग एंड काफी ज्यादा यूनिक है। वैसे इस ड्रोन का नाम X+1 क्यों रखा गया है ये शायद आप इसका डिजाइन देखकर तो समझ ही गए होंगे। ये एक्स अल्फाबेट के शेप में आने वाला शायद पहला ड्रोन है। ये ऐसे वर्टिकल पोजीशन में उड़ते हुए ही टेक ऑफ कर लेता है एंड ऐसे ही फ्लाई करता रहता है। इसकी आर्म्स के एंड्स पर प्रोपेलर्स लगे रहते हैं एंड इसके मिड में होता है इसका मेन मॉड्यूल। अब ये ड्रोन हाइब्रिड है दोस्तों, मतलब इसमें दोनों फीचर्स रहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ एक पोजीशन पर हवर करने का एंड बहुत ही फास्ट स्पीड में फ्लाई करने का भी। एंड आज की लिस्ट का ये शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रोन है, एंड मल्टी रोटर होने के चलते काफी पावरफुल तो है ही। वैसे अब देखा जाए गाइस तो ये ड्रोन प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स वगैरह के लिए बनाया गया है, हालांकि ले तो इसे कोई भी सकता है, बट फिर भी इसके इतने हाई एंड स्पेक्स का फुल यूज तो प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। जहां नॉर्मल ड्रोन में सिर्फ 4 प्रोपेलर्स ही होते हैं, इसमें होते हैं उसके जस्ट डबल यानी 8 प्रोपेलर्स। एंड इसके इन प्रोपेलर आर्म्स में नीचे साइड लाइट्स भी लगी रहती हैं सो दैट कोहरे में या फिर अंधेरे में ये अच्छे से विजिबल रहे एंड इसकी मल्टीपल आर्म्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके इतने सारे नेक्स्ट लेवल स्पेक्स के चलते जितने भी कैमरा ड्रोन्स हैं उन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस ड्रोन से मिल जाता है। और गाइस अब है आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक, सो इसे भी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले हमेशा। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।